क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो हमको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, इसकी डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। साथ ही साथ हमको एक कंडीशन दी हुई है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये इस क्वेश्चन के में हमको एक कंडीशन दी हुई है कि ऐसा है। हमको क्या शो करना है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, जो क्वाड्रिलेटरल हमको गिवन है उसको हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, करेक्ट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए किसी भी एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल को हम क्या प्रूफ करेंगे, पैरेलल प्रूफ करेंगे, तो इट मींस वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी, अगर सी डी और ए बी पैरेलल है इट मींस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको गिवन क्या है, राइट हमको गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट। अब हमको इसमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना है, हमको क्या करना है एक ओ ई लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू ए बी। ओ ई लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ए बी के पैरेलल ड्रॉ करनी है, राइट। तो अब देखिए सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन ओ ई विच इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के भी पैरेलल है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। अब सबसे पहले देखिए हमको क्या कंडीशन गिवन है, हमको कंडीशन गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट। अब देखिए ए ओ और सी ओ एक ही जो लाइन है ए सी की क्या है, पार्ट्स हैं, तो हमको हम इन दोनों को एक साथ में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे CO जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है यानी ऊपर है, तो ये जब इसकी साइड हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा डिवीजन में, तो ये जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू, अब BO यहाँ पे क्या है डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड में BO क्या है डिवीजन में है, जब इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में BO अपॉन DO, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर वन, करेक्ट। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या है जो ये ओ ई लाइन है वो ए बी की क्या है पैरेलल है, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। अब देखिए अगर ये इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है, इट मींस ये लाइन इस ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाय बीपीटी, तो यहां से हो जाएगा डीई अपॉन एई इज इक्वल टू डीओ अपॉन बीओ, राइट। अब यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर वन में वन और इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहां पे देखिए दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है कि जो आपस में इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है बी ओ अपॉन डी ओ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है डी ओ अपॉन बी ओ है। इस कंडीशन में हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना है ये बी ओ को ऊपर लेके आना है और डी ओ नीचे, वो कैसे हम करेंगे, जब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ई जो ये अपॉन में था ये चला गया ऊपर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू, यहां भी सेम वही करेंगे बी ओ अपॉन डी ओ। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर टू, ये रिलेशन हमारे पास कैसे आया, इसका रीजन क्या है, बाय बी पी टी, करेक्ट। अब इक्वेशन वन और टू को देखिए, इक्वेशन वन और टू में जो है दोनों के राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, इट मीन इसके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे, so from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 यहां से हमको क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करने से हमको मिला AO upon CO is equal to क्या है AE upon D, AE upon D, ये रिलेशन हमको यहां पे मिला है।
अब चेक करते हैं कि ये रिलेशन को हम यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू क्या है, ए ई अपॉन डी। यानी अगर हम ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो इस ट्रायंगल ए सी डी में ये जो ओ ई लाइन है ये दो साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, करेक्ट। तो इट मींस ये जो ओ ई है उसको थर्ड साइड सी डी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। सो अब देखिए इन ट्रायंगल तो हमको फाइनल जो हमारा रिलेशन मिला था वो है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी, राइट। ये रिलेशन हमको मिला था। अब ये रिलेशन हम अगर हम इस रिलेशन को इन ट्रायंगल ए सी डी में चेक करें, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी हमको क्या मिला है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इज ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी। यानी ये ओ ई जो लाइन है वो इस ट्रायंगल ए सी डी की साइड्स ए डी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब यही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम कह सकते हैं ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, राइट, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, करेक्ट। अब हमने जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो क्या था कि ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, वी प्रूव्ड इट, हमने अभी इसको प्रूफ किया है। तो ओ ई अगर ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है, इट मींस ए बी और सी डी भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल लाइंस होंगे। सो विच इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, करेक्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में देखिए दो ऑपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल है, इट मींस ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, विच इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, करेक्ट। तो यही हमको यहां पे क्या करना था, प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या गिवन है, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करते हैं, और हमको एक रिलेशन दिया हुआ है कि ओ ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, करेक्ट। हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक ओ ई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ए बी के पैरेलल, राइट। तो उस पर फिर हमने ए बी डी में क्या अप्लाई किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, करेक्ट। और उसको किसके साथ कंपेयर किया है, जो रिलेशन हमको गिवन है, राइट। उन दोनों को कंपेयर करने से हमारा रिजल्ट आया है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी। अगर हम इसको देखें इन ट्रायंगल ए सी डी के रिस्पेक्ट में, तो इट मींस ये जो ओ ई लाइन है ये इस ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मींस ओ ई और सी डी क्या होंगे, आपस में पैरेलल है। लेकिन ओ ई और ए बी आपस में पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, सो हम कह सकते हैं ए बी और सी डी भी क्या है, आपस में पैरेलल है। तो किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड हमने क्या प्रूफ की है, पैरेलल प्रूफ की है, तो इट मींस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम।